जनपद संभल के चंदोसी कोतवाली क्षेत्र में युवक के ऊपर चाकुओं से हमला, गंभीर हालत में मुरादाबाद के हायर सेंटर के लिए रेफर। जनपद संभल के चंदोसी कोतवाली क्षेत्र के ग्राम केतल में देर शाम गांव के ही 4-5 युवकों ने गांव के सूरज पाल को प्रथमा बैंक के सामने पकड़ लिया और उससे 21,000 रुपए लूटने के बाद उसे चाकुओं से गोद दिया। आपको बताते हैं कि गांव केथल का सूरज पाल तिली का काम करता है। जब देर शाम वे अपने पिता के साथ तकादा करके वापस घर लौट रहा था तो उसे गांव में घुसते ही प्रथमा बैंक के पास खाली प्लॉट में ले जाकर लूटपाट करने के बाद चाकुओं से गोद दिया, जिसके बाद उसे प्लॉट में ही छोड़कर भाग गए। पीड़ित के चाचा इंद्रपाल ने बताया कि वे गांव के ही 4-5 युवकों ने 21,000 रुपए लूटने के बाद सूरज पाल को चाकुओं से गोद दिया। सूरज पाल के पिता के शोर मचाने पर हम लोग मौके पर पहुंचे और डायल 112 को सूचना दी, जिसके बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने घायल को CHC चंदोसी में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों ने पीड़ित को गंभीर हालत को देखते हुए उसे प्राथमिक उपचार देने के बाद मुरादाबाद के हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। इस मामले में संयुक्त चिकित्सालय चंदोसी के प्रभारी डॉक्टर संतोष ने बताया कि डायल 112 एक युवक को घायल अवस्था में लेकर आई थी, जिसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे प्राथमिक उपचार देने के बाद मुरादाबाद के लिए रेफर कर दिया गया है। आपके पास आया, क्या मामला है? ये कैथल का है, एक लड़का, इसकी उम्र लगभग 25 साल है, इसका नाम सूरज है और इसके लगभग 10 जगह चाकू लगे हुए थे और काफ़ी ब्लीडिंग हो चुकी थी, तो हमने इसका फर्स्ट एड देखे और मेडिकल हील कर इसको जिला अस्पताल मुरादाबाद रेफर किया गया है, क्योंकि ब्लड काफ़ी बह गया है, अभी भी बेहोशी की हालत में है, कंडीशन स्टेबल है, तो हमने 108 के द्वारा जिला अस्पताल मुरादाबाद भेज दिया है। इंद्रपाल, क्या मामला है, यहाँ जो अस्पताल आए हैं? जे कई लड़कों ने 3-4-5 जने थे और इन्हें इसे गंभीर बैंक में पकड़ लिया था। ये तिली का काम करता है, इसमें 20-21,000 रुपये थे। अच्छा, वो पकड़ लिए, इसे रुपये छीन लिए, इसे छुड़ियों से खूब मारा है। हमें सूचना मिली, हमने 100 नंबर फ़ोन किया और बाकी वो बात देखे जाए। कौन है आपके, कौन है ये? ये भतीजा लगता है, गाँव के। तो वो लोग पकड़े गए, भाग गए हैं? भाग गए वो तो। कौन, कितने लोग थे वो? वो 5 लोग थे। तो क्या नाम, कुछ नाम जान पहचानते उन्हें आप? रिश्तेदार हैं हम, तो नाम दो चार के जानते हैं, वो था प्रशांत कौर। अच्छा, अब यहाँ से जो आपके भतीजे हैं उन्हें कहाँ के लिए भेज दिया गया है? रेफर कर दिया है। तो कैसी हालत रही है उनकी? गंभीर हालत है, बहुत नाजुक है। नाम पूछो, पूछो। अच्छा, नाम उनके सबके पता है, कुछ के पता है, बता दीजिए क्या क्या नाम है। ये प्रशांत कौर पहले जी, और विनय, राम अवतार, चमन और सुनील। ये गाँव के ही हैं? ये भी गाँव के, कैथल के ही हैं। तो कितने हजार रुपए की इनसे लूट हुई है? 21,000 रुपए की।